नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र, राजस्थान और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सोमवार तड़के जारी की बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की भी जताई आशंका। IMD ने कहा कि रात के समय पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। IMD ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जारी है तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश, तो वहीं गुजरात राज्य और दक्षिण राजस्थान में आसमान दिख रहा है साफ, जबकि मध्य प्रदेश में मध्यम बादल और उत्तर मध्य महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में तीव्र से बहुत तीव्र छाए हुए हैं बादल। मुंबई क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को की थी महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के साथ तूफान की भविष्यवाणी, तो वहीं पालघर, धुले और नंदुरबार जिलों में भारी बारिश की जताई थी आशंका, जबकि ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव, नासिक, अहमदनगर और पुणे जिलों में बिजली गिरने के साथ की गई है आंधी की भविष्यवाणी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी है मौसम में तेजी से बदलाव। पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी में लोग जानलेवा वायु प्रदूषण को झेलने के लिए हुए मजबूर। इसी बीच हवा की गति कम होने और तापमान गिरने से धुंध भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जताई संभावना कि दिल्ली में सोमवार को हो सकती है हल्की बूंदाबांदी। कहा, इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को चाहिए कि वो घर से बाहर छतरी या रेनकोट लेकर निकले। नासा के वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा। कहा, सूर्य के सबसे करीब कहे जाने वाले बुध ग्रह पर हो सकता है जीवन। हालांकि अब तक माना जा रहा था कि सूर्य के करीब होने के कारण इसका क्षेत्र होगा झुलसा देने वाला, ऐसे में यहां नहीं की जा सकती जीवन की कल्पना। लेकिन प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किया दावा। कहा, बुध की सतह पर नमकीन ग्लेशियर के प्रमाण मिले हैं, ऐसे में जगी है यहाँ जीवन की नई उम्मीद। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों तक पहुंचने के लिए बचाव अभियान जारी। इसके लिए अगले 48 घंटे हैं बेहद अहम। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो चुकी है शुरू। ऐसे में यदि कोई बाधा नहीं आई तो बचाव कर्मी अगले 2 दिन में पहुंच सकते हैं श्रमिकों तक। बचाव कार्य में मदद के लिए भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर की एक इकाई में 30 सैन्य कर्मी भी शामिल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने रविवार को बारिश के बीच दिया भाषण। शाम के समय पवार ने नवी मुंबई में पार्टी के एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा, जहां सुबह से हो रही थी बारिश। शरद पवार का भाषण शुरू होते ही शुरू हो गई हल्की बारिश। हालांकि अगले महीने 83 साल के होने जा रहे दिग्गज नेता पवार नहीं हुए टस से मस। उन्होंने बारिश के बीच कहा कि आज बारिश के कारण यहां बाधित हो गई है हमारी योजनाएं, लेकिन हम वो लोग हैं जो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमें भविष्य में भी अपना संघर्ष जारी रखने की जरूरत। गौतम बुद्ध नगर के प्रबुद्ध वर्ग के कार्यक्रम में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, भारत आज से नहीं बल्कि कई हजार साल पहले से है हिंदू राष्ट्र। हमें नहीं करनी है हिंदू राष्ट्र की कोई परिकल्पना, बस इसे और सिर्फ पहचानने की है आवश्यकता। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अशांति है कायम, अशांति के मूल में है सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ। यदि दुनिया के कई सारे देश त्याग दे अपना स्वार्थ, तो संभव है कि दुनिया बन जाए शांति प्रिय। हरियाणा सरकार ने की 1,80,000 रुपए से कम पारिवारिक आय वाली महिलाओं छात्रों को मुफ्त कॉलेज शिक्षा देने की घोषणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जिन छात्राओं की पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से 3,00,000 रुपए के बीच है, उन्हें कॉलेज एजुकेशन के लिए आधी फीस देगी सरकार। ये घोषणा सभी निजी और सरकारी कॉलेजों पर होगी लागू, और जो भी फीस होगी वो सरकार द्वारा की जाएगी वहन। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद अब होगा शराब पर सर्वे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पर लगे प्रतिबंध का असर जानने के लिए सर्वे कराने का लिया फैसला। दरअसल बिहार में करीब 7 साल पहले 2016 से शराब के उत्पादन, वितरण और उसके सेवन पर पूरी तरह से लगी है रोक। इसके बावजूद राज्य में जहरीली शराब पीने से हुई सैकड़ों लोगों की मौत। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि शराब पर प्रतिबंध लगाने से समाज पर पड़े इसके प्रभाव को लाया जाए सबके सामने। भारत में 23 नवंबर 2023 को था देवोत्थान एकादशी का पर्व, और इस दिन से शुरू हो चुकी है शादियों के सीजन की शुरुआत। 23 नवंबर से 15 दिसंबर के दौरान देश में रहेगा वेडिंग का सीजन, और इस दौरान करीब 38,00,000 शादियां होने का अनुमान। शादियों की शुरुआत के साथ ही गहनों, कपड़ों, होटल, एविएशन और उससे जुड़ी इंडस्ट्री के कारोबार में तेजी आने की संभावना।
पंचांग के अनुसार आज यानी 27 नवंबर को है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हिंदू धर्म में दिया गया है विशेष महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया उस दिन थी कार्तिक पूर्णिमा, और इसलिए इसे कहते हैं त्रिपुरारी पूर्णिमा। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में करते हैं जल स्रोत में निवास। ऐसे में मान्यता यह है कि यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में किया जाए स्नान तो व्यक्ति के सभी कष्ट होते हैं दूर और सुख समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद। आज यानी 27 नवंबर को पूरे देश में मनाई जा रही है गुरु नानक जयंती। प्रत्येक वर्ष इसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है सेलिब्रेट। आज के दिन आयोजित किए जाते हैं कई तरह के कार्यक्रम, जिसमें गुरु नानक देव द्वारा कही गई शुभ विचारों, संदेशों, शिक्षाओं के बारे में दी जाती है लोगों को जानकारी। सिख धर्म के पहले संस्थापक और गुरु थे गुरु नानक देव जी, जिनकी जयंती के मौके पर गुरुद्वारों में कई तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के साथ भजन कीर्तन लंगर के साथ निकाली जाती है प्रभात फेरी। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर की एक 7 साल की बच्ची कृषा वैष्णव ने किया कमाल। परंपरागत वाद्य यंत्रों, हारमोनियम और पियानो के साथ मात्र 5 साल की उम्र में ही शिव तांडव गाकर बना दिया विश्व रिकॉर्ड। यही नहीं, वो महिषासुर मदनी, ऐ मेरे वतन के लोगों, रामकथा और हरि स्तोत्रम भी गाती है कृषा। महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में नाक कान और गले के विशेषज्ञ डॉक्टर जयराज वैष्णव की 7 साल की बेटी कृषा वैष्णव की चर्चा चहुओर। उड़ीसा में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने की घटना आई सामने। समाचार एजेंसी के मुताबिक भुवनेश्वर राउरकेला वंदे भारत ट्रेन 20835 को भुवनेश्वर संबलपुर रेल लाइन के ढेकनाल अंगुल रेलवे खंड पर मेरा मंडली और बुधपंत के बीच पत्थरबाजों ने बनाया निशाना। इस घटना के कारण एसी क्लास के कोच का विंडो हुआ क्षतिग्रस्त, हालांकि यात्रियों को नहीं हुआ कोई नुकसान। यूपी के बस्ती में बदमाशों ने शराब की दुकान को निशाना बनाते हुए लूट की वारदात को दिया बड़ा अंजाम। दुकान की छत में लगे सीमेंट की शेड को तोड़कर अंदर घुसे चोर और दुकान के अंदर रखी 20 पेटी देशी शराब समेत 11,000 रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ। पुलिस ने 4 लुटेरों को हाईवे से किया गिरफ्तार, पुलिस उनसे कर रही है लगातार पूछताछ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को गैंगस्टर के खिलाफ जारी मुहिम में मिली बड़ी कामयाबी। खुफिया सूचना के आधार पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बीती रात एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद अर्श दल्ला गैंग के 2 शूटरों को मयूर विहार इलाके से किया गिरफ्तार। फिलहाल दोनों शूटर से पुलिस कर रही है पूछताछ। जानकारी के मुताबिक दिल्ली क्राइम ब्रांच को अर्श दल्ला गैंग के सदस्यों की थी लंबे अरसे से तलाश। कई मामलों में पुलिस को मिले थे इस गैंग के हाथ होने के संकेत। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार। इस मामले में मुंबई पुलिस ने की 2 लोगों की गिरफ्तारी। दोनों आरोपियों ने बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से की 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी। साथ ही मुंबई पुलिस ने दोनों के पास से बरामद किए हैं कई तरह के नकली दस्तावेज। पुलिस के अनुसार मुंबई के चेंबूर निवासी गणेश चव्हाण और नवी मुंबई निवासी मनोज पवार के रूप में की गई है आरोपियों की पहचान। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में सामने आया कि इस साल जम्मू कश्मीर में हुए 2 आतंकी हमलों में मुख्य रूप से था पाकिस्तान का हाथ। इस तरह पाकिस्तान एक बार फिर हुआ बेनकाब। एनआईए ने पाया है कि जनवरी में राजौरी के एक गांव में और अप्रैल में पुंछ जिले में सेना के वाहन पर हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का एक ही ग्रुप था, जिन्होंने पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तैयबा के हैंडलर्स के इशारे पर इन दोनों ही हमलों को दिया अंजाम। बैंकॉक में रविवार को संपन्न हुआ 3 दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन हिंदू संगठनों के बीच एकता मजबूत करने और सनातन धर्म के खिलाफ भावनाओं के आधार पर फैलाई गई घृणा एवं पूर्वाग्रहों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का लिया गया संकल्प। आयोजकों ने की घोषणा, कहा मुंबई में आयोजित किया जाएगा अगला विश्व हिंदू सम्मेलन 2026। इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में है एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी। मुंबई में स्थित इस स्लम को नया रूप देने के लिए बनाए गए धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर फिर से शुरू होने लगा है विरोध। महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई महीने में ही अडानी समूह की कंपनी को सौंप दिया था 259 हेक्टेयर क्षेत्र के रीडेवलपमेंट का काम। अडानी रियल्टी ने इसके लिए लगाई थी 5,069 करोड़ रुपए की बोली। अब महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक रैली में इस आदेश में अनियमितताओं का लगाया बड़ा आरोप। कांग्रेस पार्टी की मुंबई प्रदेश अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का बड़ा आरोप, कहा धारावी के कई लोगों को पालघर जैसे दूर के इलाकों में भेजने के लिए की गई है भारी रकम की पेशकश। साथ ही कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी इस इलाके में घूम घूम कर लोगों से प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करने की लगातार कर रहे हैं अपील। वर्षा गायकवाड़ के अनुसार गौतम अडानी को दिए गए इस प्रोजेक्ट के वर्क ऑर्डर में है कई तरह की खामियां, इसलिए इसे तत्काल कर दिया जाना चाहिए रद्द। मुंबई में तकरीबन 2.8 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है धारावी बस्ती। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से नजदीक होने के चलते ये जगह है काफी बेशकीमती। यहाँ बनते हैं चमड़ा और बर्तन समेत कई तरह के उत्पाद, जिनमें लगभग 1 लाख लोगों को मिला हुआ है रोजगार। प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ बनाई जानी है हाई राइज इमारतें और किए जाने हैं कई तरह के विकास कार्य। साल 2004 में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के चलते 68,000 लोगों को बसाने का है ये प्लान।
मलेशिया की तरफ से रविवार को ऐलान किया गया कि अब भारत के लोगों को 30 दिनों का दिया जाएगा वीजा फ्री ट्रेवल, यानी 30 दिन तक किसी भारतीय को मलेशिया की यात्रा करने के लिए नहीं पड़ेगी वीजा की जरूरत। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि चीन के नागरिकों की तरह ही भारत के लोगों पर भी लागू होंगे नियम। दरअसल श्रीलंका और थाईलैंड के बाद मलेशिया तीसरा ऐसा एशियाई देश है जिसने भारत के नागरिकों को दी है वीजा फ्री ट्रेवल की सुविधा। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी नए वायरस के कारण नहीं बल्कि फ्लू और अन्य ज्ञात रोगाणुओं के कारण हुई है देश में सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि। चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का ध्यान अपनी तरफ किया आकर्षित, तो वहीं मंत्रालय ने स्थानीय अधिकारियों से किया बुखार के इलाज के लिए अधिक से अधिक क्लिनिक खोलने और बच्चों एवं बुजुर्गों के बीच टीकाकरण को बढ़ावा देने का आह्वान, क्योंकि कोविड 19 महामारी के कारण लगे प्रतिबंध के हटने के बाद सर्दियों के मौसम में श्वसन संबंधी बीमारियों की तीव्र लहर से जूझ रहा है चीन। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।